नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत जन समस्या निवारण पखवाड़ा शिविर का आयोजन भिलाई निगम क्षेत्र में भी किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने राज्य शहरी विकास अभिकरण के डायरेक्टर नंद कुमार जोन 4 खुर्सीपार भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने भिलाई निगम की कार्यप्रणाली को खूब सराहा। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में इन दिनों नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत जल समस्या निवारण शिविर पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनमानस की समस्याओं को सुनकर एवं उनके आवेदन लेकर तत्काल उसका निराकरण किया जा रहा है। इस पखवाड़े का ऐसा ही एक शिविर नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 4 में बने हुए सामुदायिक भवन में लगाया गया। जोन 4 के सभी वार्डों के वार्डवासी आकर अपनी समस्याओं को बताते नजर आए और निगम प्रशासन द्वारा त्वरित इसका निराकरण भी किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को देखने और समझने राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के डायरेक्टर कुंदर कुमार विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने शिविर में लगे हुए पंजीयन काउंटर से लेकर सहायता के प्रत्येक काउंटरों पर जाकर समस्याओं एवं उनके निराकरण किस प्रकार किए जा रहे हैं इसकी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अपने हाथों से हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण भी किया एवं अन्य काउंटरों पर पहुंचे हितग्राहियों से उन्होंने चर्चा भी की और उनसे पूछा कि समस्याओं का निराकरण भिलाई निगम किस तरह से करता है और क्या हितग्राही उसे संतुष्ट हैं। इस पर हितग्राहियों ने नगर निगम भिलाई की कार्यप्रणाली को बेहतर बताया और खुद को निगम के कार्यों से संतुष्ट भी बताया। इस पर कुंदन कुमार ने न्यूज टीम से चर्चा के दौरान भिलाई निगम के आयुक्त की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए उन्हें और पूरे निगम परिवार को उनके बेहतर कार्यप्रणाली के लिए बधाइयां दी। जन समस्या निवारण पखवाड़ा जो नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से कराया जा रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये 15 दिन का कार्यक्रम है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बारिश का समय है, सावन का समय है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतने बारिश में भी लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और जो भी नगरीय नगर के वासियों की जो समस्याएँ हैं, वरन जैसे राशन कार्ड की समस्या, प्रधानमंत्री आवास की मांग, छोटे छोटे बिजली के बिजली का काम या कहीं रोड रिपेयर का काम, नाली रिपेयर का काम, सीवरेज का काम, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं तो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है या कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं जा पाता है। तो इन सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है शासन द्वारा। मैं आज 14 में गया, फिर जामुन विजिट किया, आज मैं यहाँ पर भिलाई आया हूँ। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है, अभी भी आप 3:30 बज रहे हैं लेकिन अभी भी लोगों का जो एक लोगों में जो एक उत्साह है, जो आवेदकों में जो उत्साह है और अपने समस्याओं का निराकरण करने के लिए और अधिकारियों का भी खूब सहयोग मिल रहा है। सभी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं निगम के, वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। जीडी कार्यालय के भी अधिकारी थे यहाँ पर और सभी समस्याओं को बहुत अच्छे से सुन के, तो मोटा मोटा जो एक बात आ रही है कि राशन कार्ड में उसकी जो मांग या राशन कार्ड में नाम जोड़ने का, बीपीएल कार्ड में जोड़ने का, उसको हम लोग को युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा और उसके लिए पूरा नगरीय प्रशासन विभाग, हमारे जितने भी नगरीय निकाय के कमिश्नर्स हैं, सीएमओ हैं, वो पूरा अच्छी तरीके से मिशन मोड में काम करेंगे। देखिए, मार्किंग वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा काम किया, एक्सीलेंट वर्कर हैं हमारे कमिश्नर साहब और सबकी समस्याएँ सुनते हैं और मतलब एक्सीलेंट वर्कर, बहुत बढ़िया काम। इस आयोजन में उपस्थित राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के डायरेक्टर कुंदन कुमार ने सामुदायिक भवन के परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया और निगम के अधिकारियों से कहा कि मेरी गैर हाजिरी में इस पेड़ के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी आप लोगों की है, मैं वक्त वक्त पर आकर इसे देखता भी रहूँगा। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।